रिसेंटली ना पहली बार नीतू ने लखनीत कंट्रोवर्सी के बारे में बात करी कि आखिर ऐसा क्या हो गया था नीतू और लखन के पेरेंट्स के बीच जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैमिली में शुरू हुई और आज तक नीतू और लखन के पेरेंट्स के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। नीतू बहुत ही ज़्यादा इस टॉपिक पे बात करते हुए इमोशनल हो गई। अब ऑब्वियसली लखनीत के फैंस को भी ना ये बात देखकर बहुत बुरा लगा कि नीतू ने कितना ज़्यादा टफ टाइम गुजारा अपने इन-लॉस में और शायद उसके इन-लॉस को अंदाज़ा भी नहीं कि उन्होंने कितना बुरा नीतू के साथ किया। अब इस टॉपिक में जब नीतू से सवाल पूछा गया ना तो सबसे पहले तो वो अपना रोना ही कंट्रोल नहीं कर पाई। वो रोते रोते कहने लगी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने ज़्यादा बुरे लोग मुझे मिलेंगे या इतने ज़्यादा बुरे लोगों से मेरा पाला पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी ऐसा सोचती हूँ तो आज नहीं तो कल सब कुछ सही हो जाएगा। नीतू ने ना अपनी मम्मी की तारीफ़ करते हुए ये भी बताया कि उसकी मम्मी अक्सर उसे समझा रही होती हैं कि हर एक चीज़ ना सही हो जाएगी, आज नहीं तो कल परिवार है सब कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी। नीतू ने ये भी कहा कि मैंने कभी भी ना इस कंट्रोवर्सी पे इतना ध्यान नहीं दिया, कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा मैं इन तमाम मामलात में नहीं पड़ती, मेरा फोकस ना सिर्फ सोशल मीडिया और मेरा काम है और मैं उसी पे लगी रहती हूँ। लखन, उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली क्या कर रहे हैं मैं इन सब बातों से बॉदर नहीं करती। लेकिन नीतू ने साथ में ये भी बताया कि एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर लखन के पेरेंट्स ने ना बहुत सारी बातें नीतू और उसकी मम्मी के लिए, उसकी फैमिली के लिए की थी और वो वीडियो देखकर ना नीतू इतना ज़्यादा रोई थी जितनी शायद वो अपने फादर की डेथ पे रोई होगी। तो नीतू की पूरी आंखें वो वीडियो देखकर सूज गई थी और नीतू ये कहने लगी कि मैं वो टाइम ना कभी भी शायद नहीं भूल सकती और उससे नहीं निकल सकती और शायद यही वजह है कि नीतू और लखन की फैमिली के बीच आज भी जो मामलात हैं वो सही नहीं हो पा रहे। सारी फैमिली अगर मिल भी जाती है तो नीतू ना कहीं दूर दूर ही रहती है उन सब से। शायद जो कुछ टॉक्सिसिटी रावत फैमिली ने नीतू के साथ की ना वो आज तक भूल नहीं पा रही है और इन तमाम लड़ाई की वजह से ना नीतू लखन के पेरेंट्स से दूर दूर रहती है। अब आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? क्या सच में लखन के पेरेंट्स ने इतना कुछ नीतू के साथ बुरा किया है या फिर ताली दोनों तरफ से बजी थी? मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।